हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास नंबर 9 के अंदर। और हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, चैप्टर था सैलरी। और सैलरी चैप्टर की के लिए देखा जाए तो ये सेकेंड क्लास होगी आज। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे, किसी डोमेस्टिक रीजन्स के कारण मैं कॉलेज आपको अटेंड नहीं कर पाया। तो आज से हम उसकी पुनः शुरुआत करते हैं और आशा करता हूँ कि आप इससे पहले पुराना वीडियो आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब उसके बाद में मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम मैंने आपके पुराने जो वीडियो उसमें चर्चा करी थी कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा अलाउंसेंस, हिंदी में बोलते हैं भत्ते। अब अलाउंसेंस जो भत्ते की यदि हम बात करें तो मैंने बात करी थी कि आपके पास में तीन तरीके के भत्ते होंगे। तीन तरीके भत्ते कौन कौन से होंगे? पहला था मतलब फुली टैक्स फ्री अलाउंस होगा, मतलब जिसके ऊपर वो फुली एग्जम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स देना ही नहीं है आपको। आपकी सैलरी में कितना ही पार्ट्स में मिले लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। सेकेंड था पार्टली टैक्स फ्री, मतलब एक लिमिट तक तो फ्री है लेकिन उसके बाद में फ्री नहीं होगा, उसके बाद में यदि ज़्यादा अमाउंट मिल रही है आपको तो टैक्सेबल मानी जाएगी। और तीसरे की मैं बात करूँ तो फुली टैक्सेबल होगा, मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड में नहीं आते हैं वो सारे कहेंगे फुली टैक्सेबल है। मतलब क्या, या तो कोई चीज़ 100% टैक्स फ्री होगी या आधी टैक्स फ्री होगी, आधा टैक्सेबल होगा नहीं होगा, और एक होगी फुली टैक्सेबल। तो हम पहले दो की स्टडी अच्छे से करेंगे, बाकी सारे अलाउंस हमें मान लेंगे कि वो पार्ट 3 के अंदर आते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस पाते हैं। अब हम आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फुली टैक्स फ्री अलाउंस, मतलब जो पूरी रूप से कर मुक्त है, जिनके ऊपर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। अब इस प्रकार के यदि मैं काउंट करूँ कि इस प्रकार के आपके पास में कितने टैक्स हैं, सॉरी कितने अलाउंसेस हैं, तो ये अलाउंसेस हैं नंबर ऑफ 6। तो आप यह नोट कर सकते हैं कि इस तरह के अलाउंसेस आपके लिए कितने हैं, 6 अलाउंसेस हैं आपके पास में, ठीक है। कितने अलाउंसेस हैं? 6। अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से हमारे 6 अलाउंसेस हैं। पहला है फॉरेन अलाउंसेस, विदेशी भत्ता। अब देखिए, समझिए पहले से डेफिनेशन, होती है विदेशी भत्ता किसे बोलते हैं, फॉरेन अलाउंस। जब कोई भी एम्प्लॉई है जो अपने वर्क को एकजुट करने के लिए फॉरेन के अंदर जाकर रहता है, वहाँ रहना उसे पड़ता है, वहाँ अपनी ड्यूटी को एकजुट करना पड़ता है, तो उस केस के अंदर जो उसका एम्प्लॉयर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो कंपनी हो सकती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर किसी कंपनी में काम करता है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसे एडिशनल पेमेंट करता है कि आपके पास वहाँ जा रहे हो तो वहाँ आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो इस केस में चूँकि वहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए जो अलाउंस दिया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन अलाउंस, मतलब विदेश में जाने पर दिया जाने वाला अलाउंस होगा फॉरेन अलाउंस। अब हम देखेंगे हमारे लिए टेक्निकल पॉइंट क्या है। हमारे लिए टेक्निकल पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये सबके लिए भारत में फ्री नहीं है, ये किसके लिए फ्री है भारत के अंदर, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मतलब यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति को मिलता है तो फुली टैक्स फ्री, फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिला, वो कोई सा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉई हो सकता है, दोनों एम्प्लॉई हो सकते हैं वो। तो इस तरह से किसी को मिल रहा है वो, तो वो क्या है, फुल्ली टैक्स फ्री, प्लस वो भारतीय नागरिक हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो, वो क्या हो, एक इंडियन सिटीजन हो। मतलब कोई विदेश वाले व्यक्ति को आपने इंडिया में अपॉइंटमेंट कर रखा है और उसे यदि आप कहते हो कि उसे हम अलाउंस देंगे, गवर्नमेंट ही बोलती है कि उसे हम अलाउंस दे रहे हैं, तो उसके लिए टैक्सेबल होगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन का व्यक्ति, भारतीय नागरिक नहीं है। तो भारतीय नागरिक हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हमारे पास दो कंडीशन है, क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और भारतीय नागरिक हो, तो ऐसा अलाउंस क्या होगा आपके लिए, फुली टैक्स फ्री अलाउंस के अंदर काउंट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड अलाउंस की। सेकेंड अलाउंस है अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हमको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, अपने कुछ याद नहीं करना है, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एससी मतलब हाई कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो हमेशा टैक्स फ्री रहते हैं, अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो एससी के नाम से आप याद रख सकते हैं इसे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे UNA, यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन, हिंदी में से बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी संगठन हो, मतलब इसके भी कोई और इसमें छोटे छोटे संगठन बना रखे हो, इसके लिए वर्किंग एजेंसियाँ हो, उससे यदि किसी भी एम्प्लॉय को किसी प्रकार का अलाउंस मिलता है तो वो सारा क्या होगा आपके लिए, टैक्स फ्री होगा। तो आप क्या नाम याद रखेंगे, UNA, यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी उसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, उसकी कोई भी वर्किंग कमेटी, उससे यदि किसी प्रकार का अलाउंस मिलता है तो वो क्या आएगा आपका, फुली आपके लिए क्या माना जाएगा, टैक्स फ्री माना जाएगा। तो अभी तक हमने तीन जो अलाउंसेस उनकी स्टडी कर चुके हैं, सिक्स में तीन कौन कौन से, फॉरेन अलाउंस, विदेशी भत्ता जो किस किस को होगा, विदेश जाने पर मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो। सेकेंड था हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तीसरा UNA से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला अलाउंस, UNA क्या है, यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद में हम बात करेंगे
संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग किसे बोलते हैं, यूपीएससी, मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम लेता है, जैसे आपके आईएएस वाला एग्जाम हो गया, या इसी कैडर की जो वैकेंसी निकालता है जिससे आप कलेक्टर बनते हैं, और भी जो सर्विसेज है उनके लिए, मतलब जो वैकेंसी निकालेंगे, जो काम होता है वो संघ लोक सेवा आयोग होता है, यूपीएससी का होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो वर्तमान सदस्य हैं, कौन से वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट के अंदर जिसको अध्यक्ष है, जो इसका चेयरमैन है, और सदस्य मतलब जो इसके मेंबर है, मतलब 8 प्रेजेंट जो इसके चेयरमैन और जो मेंबर्स है उनको केवल 2 जो अलाउंसेंस है वो क्या होंगे, उनके लिए हमेशा एग्जम्प्ट माने जाएंगे। एक तो क्या, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हिंदी में बोलेंगे वाहन भत्ता, और दूसरा क्या होगा, सबपेंट्री अलाउंस, मतलब नियामक भत्ता। तो इनके केवल आपको नाम याद रखने, किस किस को मिलेंगे आप वापस से देखेंगे आप यहाँ पर, ये किस किस को मिलेंगे, हम बात कर रहे थे कि ये मिलेंगे हमारे पास में वर्तमान यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसे लिख सकते हैं, मैं साथ साथ प्रत्येक वर्ड को लिखता हूँ। 8 प्रेजेंट के अंदर जो भी इसका अध्यक्ष मतलब चेयरमैन है, सदस्य मतलब जो मेंबर है, उनको 2 अलाउंस हैं वो एग्जम्प्ट माने गए हैं, कौन कौन सा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सबटेंट्री अलाउंस, मतलब वाहन भत्ता और नियामक व्यय भत्ता, मतलब ये होता है तो नियामक तो होता है मतलब नियमित रूप से उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चे, और वाहन भत्ता से बोलते हैं जो आने जाने के लिए उन्हें दिया जाता है। तो हमें केवल नाम याद करने, डेफिनेशन से हमें डेफिनेशन स्टडी नहीं करनी है, हमें पता करना है कि यूपीएससी को मिलता है वर्तमान को ही मिलेगा, मतलब कोई पहले वाला है जो रिटायरमेंट हो चुका है उसको नहीं मिलेगा, प्रेजेंट में जो चेयरमैन है उसी को मिलेगा, प्रेजेंट जो मेंबर उसी को मिलेगा। इसी के आगे बात करेंगे कि सार्क जो देश है, सार्क एक क्या यूनियन बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, सार्क आपने नाम सुना होगा। इसके यदि मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, मतलब हमारे जो साउथ एशिया है उनके कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर ऐसा संगठन बना रखा है, जैसे इसमें मैं जितनी मेरे को नॉलेज है शायद इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये कुछ कंट्रियाँ जो मैं नाम ली ये इसके सदस्य देश हैं। तो ये अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो भी कंट्रीज़ के मेंबर हैं, जैसे इंडिया तो ही सही, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और श्रीलंका भी होगी इसमें, नेपाल और भूटान और मालदीव, हमें वो डीपली स्टडी नहीं करनी है, हमें तो इतना याद रहना है कि जो सार्क सदस्य हैं, इसका जो एसोसिएशन बना हुआ है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बना हुआ है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो सार्क देश हैं उनके अध्यापकों और वो प्रोफेसर नियुक्ति के 2 वर्षों तक, तो इसके जो अध्यापक और जो प्रोफेसर के 2 वर्षों तक उनको क्या मिलेगा, अलाउंस जो मिलेगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा, केवल कब तक, 2 वर्षों तक, मतलब इससे इन देशों में जाकर हम पढ़ाते हैं, इस देशों में जाकर हम अध्यापक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो हमारे को वहाँ से मिलने वाला अलाउंस 2 साल तक एग्जम्प्ट रहेगा, ये हमारा नियम है। इसके बाद क्या बात करते हैं, कर्तव्य पालन के लिए दिए गए विशेष भत्ते, ये देखिए आप ऊपर के 5 थे, 5 में आपने केवल 5 में कोई अंदर सब्सिडी अलाउंस नहीं था, यहाँ पर हम बताते हैं इसमें डीपली अलाउंस और आएंगे अंदर। तो ये क्या है, कर्तव्य पालन के लिए दिए हुए हैं, मतलब आपकी जो ड्यूटी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिए जाते हैं, है ना, स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको जो रोजगार मिला उसको जो ड्यूटी उसको पूरा करने के लिए ऐसे अलाउंस जरूरी होते हैं, मिलना जरूरी है, तभी हम उसका आगे कर पाएंगे। अब इसमें के बारे में एक सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संबंधित उद्देश्य के कार्य के लिए वे की गई राशि तक करमुक्त होते हैं, मतलब ये कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस वर्क के लिए आपको ये अलाउंस मिला है उस पर्पज़ के लिए आपने इसमें से कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर कर दी है, जितनी अमाउंट आपने खर्च कर दी है उस तक तो ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई अलाउंस की अमाउंट मिली 400 रुपये, बट आपने उस वर्क के लिए कितने रुपये खर्च किए, 300 रुपये, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो 300 रुपये है वही एग्जेम्प्ट हो गए, ना कि आपको 400 रुपये एग्जेम्प्ट हो गए, वापस समझ लेना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो खर्च करने वाले की गई राशि होती है ना उस पर को ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, जिससे हमें 400 रुपये मिल गए कोई बात नहीं, 400 रुपये आपको अलाउ है, लेकिन बट आपको क्या हुआ कि आपने 300 रुपये एक्सपेंस किए, 300 एक्सपेंस करने की दशा के अंदर आपको 300 रुपये ही एग्जेम्प्ट माने जाएंगे, बाकी 100 रुपये आपको टैक्सेबल माने जाएंगे, ठीक है। हाँ, यदि लेकिन आप मान लीजिए आपको पास में ये बोल दिया जाए कि आपको 400 रुपये मिले और 500 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो इस दशा में मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, फिर बाद में आपको 400 का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ समझेंगे कि हमें जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो क्या रहेगी, जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है या फिर जो भी आपको अमाउंट मिली हुई है वहाँ से। इसमें सबसे पहले देखिए कौन कौन से वर्ड है इसके अंदर, इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास में 6 अलाउंस हैं, ठीक है, 6 अलाउंस हमारे महीने से, और 6 जो लास्ट 6 समर का स्टडी कर, 6 अलाउंस हो रहे हैं, इनको केवल नाम याद करना है आपको,
ट्रेवलिंग अलाउंस, मैं बताता हूँ क्या होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जब कोई भी एम्प्लॉई है उसका है ना कोई भी टूर उसे दिया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ भरतपुर में पोस्टेड हूँ लेकिन मुझे टूर दिया गया है कि आप जयपुर जाकर वहाँ पर ये फाइल सबमिट कीजिए या फिर ये टीचिंग वर्क कीजिए, तो मैं वहाँ पर जाकर अपने एम्प्लॉयर के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो इस दशा में मेरे टूर के उसे बोलेंगे टूर के लिए, मतलब गवर्नमेंट पर्पज़ से ही मुझे टूर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे टूर पर जाना। या फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो उस कारण से मुझे ट्रेवलिंग जर्नी करनी पड़ेगी, उस कारण जो अलाउंस मिलेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, यात्रा भत्ता, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस। अब देखिए जब मैं टूर पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर मेरा घर तो है नहीं, तो बहुत सारा मुझे खाना वाना पीने की बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, मुझे चाय पानी पीना है, मुझे सारे दिन वहाँ पर रुकना भी है, तो उस तरह के जो अलाउंस मिलते हैं मुझे होटल खर्चा जो भी मिलता है मुझे, उसे हम बोलेंगे डेली अलाउंस, जिसे बोलते हैं दैनिक, मतलब आपको दिन भर के लिए आपको जो भी खर्च करने के लिए मिलता है पैसा वो मिलेगा। जैसे मेनली इसका पर्पज़ क्या होता है, आपके खाने पीने के लिए दिन भर के व्यवों के लिए चाय पानी जो खर्चा दिया जाता है वो है। तो जब आप टूर पे जा रहे हो, जब आप टूर पे जा रहे हो तो आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा, डेली अलाउंस मतलब वहाँ के पर डे के लिए आपको खाना खाना जो खर्चा उसके लिए मिलेगा आपको। इसके बाद में मैं बात करूँगा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, सवारी भत्ता। सवारी भत्ता देखिए समझिए क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ या मुझे मैं भरतपुर में ही जॉब कर रहा हूँ यहीं पर, ठीक है, मैं बाहर टूर पे नहीं जा रहा हूँ, बट मुझे किसी काम से ना मार्केट में जाना था, कॉलेज के काम से, जैसे मैं कॉलेज में मैं के अंदर पढ़ाता हूँ, मेरा काम है या मैं नॉन टीचिंग स्टाफ हूँ या फिर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे उस कंपनी या फिर मैं जैसे कॉलेज का मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं कॉलेज के काम से जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर आने जाने का जो मेरा खर्चा हो रहा है, सिटी सिटी में घूमने का जो खर्चा हो रहा है उसे बोलेंगे हम कन्वेंस अलाउंस। हो सकता है कि मैं ऑटो करके जाऊँ, हो सकता है मैं मेरी कार लेकर जाऊँ, हो सकता है मेरी बाइक लेकर जाऊँ या मैं बाइसाइकिल से जाऊँ, तो इस तरह का जो अलाउंस जो मुझे मिलता है वो लोकल कन्वेंस के लिए जाने के लिए मिलता है। तो इस तरह का जो नॉर्मली जो अलाउंस होता है वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए इस तरह का अलाउंस दिया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, क्योंकि मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं कार्यालय जाऊं, मैं मेरे ऑफिस में कॉलेज में जाऊं। हाँ, कॉलेज में जाने के बाद में ये माना जाए कि मैं कॉलेज के काम से जा रहा हूं बाहर तो मुझे मजबूर कॉलेज के काम से जाना पड़ रहा है तो मुझे अलाउंस मिलना चाहिए, तो वो तो टैक्स फ्री होगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट मुझे उसके बावजूद ही ये अलाउंस देती है कि आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए भी अलाउंस दे रही है, तो वो मेरी फैसिलिटी में काउंट होगा, एक तरह से वो मेरी सुविधा मानी जाएगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने व्हीकल से कैसे जाऊँ चाहे मैं पैदल जाऊँ। वहाँ जाने के बाद वहाँ काम मिलने काम जो मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझको जो भी ऑटो वगैरह हायर करना पड़ रहा है तो वो कॉलेज मुझे पेमेंट करेगा, तो वो तक तो हमारा टैक्स फ्री भी है, लेकिन मुझे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने जो भी अलाउंस मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो समझ में आएगा कि ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है लोकल कन्वेंस के लिए, और ट्रेवलिंग अलाउंस में क्या डिफरेंस है, जो टूर और ट्रांसफर के दौरान दिए जाते हैं, मैं लंबी दूरी के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस किसके बारे में लिखा है कि नॉट सर्वेंट अलाउंस, मतलब एक वर्ड आता है सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। जिसके बोला हेल्पर अलाउंस क्या होता है, आप समझिए कि मैं गया जयपुर किसी काम से लिए, तो अब मुझे क्या हुआ कि वहाँ पर फाइलिंग वगैरह वर्क करवाना था, बहुत सारा कुछ काम करना था, तो मुझे क्या है हेल्पर दिया गया कि आपको हेल्पर के लिए हम आपको 400 रुपये का या 800 रुपये का पेमेंट करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई हेल्प आप ही करने के लिए कोई व्यक्ति को हायर कर लीजिए। तो मैं किसी व्यक्ति किसी अटेंडेंट को बुलाता हूँ जो मेरे को अटेंड कर लेता है वहाँ पर, और जो मेरा छोटा मोटा काम है फाइलिंग करने का, बैग उठाने का, इस तरह का जो मतलब जो ऑफिस से जुड़े हुए काम है वो मुझे देता है, तो उसे बोलेंगे हेल्पर अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या होता है, नौकर वाली सुविधा होती है, तो ये सर्वेंट अलाउंस तो मतलब आलीशान सुविधा हो गई तो वो तो क्या फुली टैक्सेबल होगी। हेल्पर अलाउंस क्या होता है, ऑफिस के काम करने के लिए दिया गया जाता है, जो उससे क्या होगा आपका ऑफिस का काम आप स्पीडली कर पाओगे और उसके लिए जरूरी है वो देना, तो उसे बोलेंगे हेल्पर अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस कहता है सुख सुविधाओं के लिए दिया जाएगा, आप घर में जाकर झाड़ू पोछा करवाओ, चाहे आप उनकी गाड़ी साफ कराओ, सामने जी काम करवा सकते हो, तो वो तो क्या सर्वेंट अलाउंस। इसके बाद में एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, तो अनुसंधान भत्ता, तो ये क्या है हमारे टीचर्स स्टूडेंट दोनों को ही मिल जाता है ये एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, तो ये भी हमारा क्या होगा फुली टैक्स जी। और एक होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो पर्टिकुलर ड्रेस के अंदर आए, तो जैसे कि आप मान लीजिए पुलिस वाले हो गए, इनकी पर्टिकुलर ड्रेस होती है, होमगार्ड हो गया, कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी है जो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने टीचर्स के लिए ना ड्रेस कोड एप्लीकेबल करते हैं, तो इस तरह से ड्रेस खरीदने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है यूनिफॉर्म वर्दी भत्ता बोलेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस, और ये भी क्या माना जाए उनका टैक्स फ्री माना जाता है। तो मैं आपको यहाँ बात करूँ कि हमने यहाँ 6 अलाउंस की स्टडी करी, 6 अलाउंस की यदि मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से अलाउंस हमने स्टडी करी। हमने सबसे पहले स्टडी करी थी हमारे पास में कि फॉरेन अलाउंस होगा, और दूसरा हमने किया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिलता है, तीसरा था UNA जो यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन से अलाउंस है वो होगा, फोर्थ था यूपीएससी का बोला कि जो प्रजेंट के अंदर जो भी उसका चेयरमैन और मेंबर है उसको ट्रांसपोर्ट और सप्लीमेंट्री अलाउंस टैक्स फ्री होगा। इसके बाद था सार्क देश जो सार्क कंट्रीज है उसके जो अध्यापक है प्रोफेसर्स हैं उनको जो वहाँ के टीचर्स और प्रोफेसर्स उनको 2 साल की नियुक्ति की 2 साल तक एग्जम्प्ट है।
इसके बाद सिक्स था, सिक्स के अंदर वापस सिक्स अलाउंस है, जो हमें बताया गया था कि जो भी राशि वो एक्सपेंस करेंगे वहाँ तक मैक्सिमम आपके लिए कर मुक्त माने जाएंगे, यदि मिलने वाली राशि से वो राशि कम है तो, और ज़्यादा यदि आपने खर्च कर दिए तो भी फिर वो जो मिल रहे हैं वही आपको एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो इसके अंदर हमने बात किया था कि एक तो क्या था, ट्रैवलिंग अलाउंस था, डेली अलाउंस मतलब जो दैनिक जीवन जीने के लिए दिया गया था वो, कन्वेंस अलाउंस था, हेल्पर अलाउंस था, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस था और यूनिफॉर्म अलाउंस था। तो ये सब अलाउंस थे जो फुली टैक्स फ्री अलाउंस थे, इनमें कोई लिमिट नहीं थी, या जो भी आपको मिलेगा पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट माना जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस मतलब आंशिक कर मुक्त भत्ते, जो मतलब कुछ अमाउंट तक तो आपके लिए कर मुक्त माने जाएंगे और बाकी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे HRA, शॉर्ट के अंदर क्या नाम, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में हाउस यानी मकान कर, मकान किराया भत्ता। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। तो एक तो चीज़ यहाँ पर बोला कि जो भी कम है वो एग्जम्प्ट होगी, मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये एग्जम्प्ट है, यहाँ पर एग्जम्प्ट मतलब कर मुक्त है। तो कर मुक्त क्या है, जो भी कम है इनमें से, जो भी कम है। तो यहाँ पर हमने ABC तीन फिल्टर लगाए हैं कि हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और उन तीनों से हम जज करेंगे कि हमारे पास में कितनी अमाउंट है वो हमारी टैक्स फ्री मानी जाएगी। तो हम यहाँ तीन फिल्टर लगा रहे हैं, तीन फिल्टर के अंदर टेस्ट करेंगे जो भी हमारे पास में कम है वो टैक्स फ्री का। पहला जो हमने कैलकुलेशन करेंगे HRA रिसीव्ड, तो आपके लिए देखा जाएगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना HRA लिया है, तो वो चीज़ हम सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे। जैसे आपने 8 months के लिए HRA लिया है तो 8 months के लिए काउंट करेंगे, पूरे 12 महीने का आपको HRA मिल गया, पूरे 12 महीने का HRA आप यहाँ पर लिख दिया करेंगे, जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से जिसके पास में आप जॉब करें, जो आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर मतलब जिसके पास आप नियोक्ता हो, तो वो आपका नियोक्ता जो भी आपको HRA के नाम से जो पेमेंट किया है वो यहाँ पर आएगा। सेकेंड बी में हम कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने आपके लैंडलॉर्ड जो आपका मकान मालिक है जिसको आपने किराया दिया है ड्यूरिंग द पीरियड का, जिससे आपने 8 महीने HRA मिला, 8 महीने का किराया दिया, 12 महीने किराया दिया है 12 महीने का, उसमें से हम माइनस करेंगे -10% ऑफ सैलरी, जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका 10% माइनस। मतलब यहाँ पर क्या आंसर आता है, हो सकता है ये आंसर नेगेटिव में जाए, हो सकता है ये आंसर पॉजिटिव में जाए, हो सकता है कि आपने जो एक्चुअल रेंट का जो पेमेंट किया है वो आपकी 10% सैलरी से भी कम पेमेंट किया, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस दशा में हम छूट हमारे नील हो जाएगी। ठीक है, उस दशा में ऐसा नहीं कि माइनस में अमाउंट आ गई तो माइनस वाला फिगर को वैल्यूट करेंगे, माइनस में फिगर आ गया तो आप समझ जाएगी अब हमें छूट मिलेगी नहीं, जीरो गया, क्योंकि जो सबसे कम अमाउंट है वो छूट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे कम अमाउंट हमारे जीरो माइनस आ गई या जीरो आ गई तो हम उसे जीरो ही मान लेंगे माइनस वाले अमाउंट को भी। थर्ड पॉइंट में सी में पॉइंट बताया गया 40% या 50% ऑफ सैलरी, तो उसको हम निकालेंगे कि हमारी सैलरी का 40% या 50% पार्ट कितना होता है। अब ये देखने वाली बात है, नॉर्मली तो हम 40% ही काउंट करते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर 50% लेते हैं, 50% चार ही दशाओं में लेंगे, मतलब ऐसा एक सिचुएशन है जिसके अंदर हम 50% लेंगे, 40% की जगह 50% हम काउंट करेंगे। जब आपका घर है, जब आपकी जो आपका घर है वो कहाँ कहाँ स्थित है, जो आपके जो चार महानगर है उनमें स्थित हो, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और बेंगलोर, आगे मैंने लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स, आप अभी तो इसी को वापस देखेंगे कि पहला पॉइंट है ABC, आपको तीन पॉइंट फिल्टर लगाना है, तीनों में से जो भी कम होगा वो आपके लिए टैक्स फ्री माना जाएगा। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माने 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, तो ये तीन फिल्टर हमने यहाँ पर लगा दिए, तीनों से जो भी कम होगा वो क्या माना जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट मतलब छूट कर मुक्त है वो आपके लिए। अब यहाँ पर वर्ड काम ले रहे हैं हम सैलरी, इस सैलरी का इस टॉपिक को लिए, जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना HRA हाउस रेंट अलाउंस के लिए, पर्टिकुलर इस डेफिनेशन के लिए हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी का क्या मतलब है वो यहाँ बताया गया। सैलरी का मतलब बताया गया है कि आप लीजिए आपकी बेसिक सैलरी DA मतलब डिएडेंस अलाउंस, ठीक है, जो महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, जिसके स्टडी हम आगे करेंगे, ये फुली टैक्सेबल होता है महंगाई भत्ता वाला, आजकल शायद नहीं इसकी स्टडी शायद हम कर चुके हैं, मैं आपके बारे में नहीं भी कर रहा, तो आप देखिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। डिएडेंस अलाउंस महंगाई भत्ता आजकल सैलरी का ही पार्ट माना जाता है, वर्तमान में इसका फुली टैक्सेबल है, इसे हम सैलरी का ही पार्ट माने, इसे बेसिक के बराबर ही मान लेते हैं। यदि मान लो आपको डिएडेंस अलाउंस जो मिलता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, मतलब ये कि जब आप रिटायरमेंट होगा तो तभी भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ सैलरी की जो डेफिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं उसमें बेसिक प्लस डीए, डीए कब प्लस करेंगे, जब वो रिटायरमेंट का पार्ट हो, बेसिक का पार्ट हो। और आप उसके बाद में आप क्या देखेंगे यहाँ पर हम लेंगे कमीशन, कमीशन वो भी कौन सा, जो फिक्स है जो निश्चित रेट रहेगी उसकी, ये नहीं वेरिएबल होगा, तो उस कमीशन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो बेसिक का ऑलवेज आएगा, DA रिटायरमेंट के बेनिफिट आएगा, और कमीशन कब होगा, जब फिक्स आएगा। तो इन सबको यदि हम टोटल करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल आएगी, सैलरी।
सैलरी किस पर्पस के लिए? सैलरी आएगी आपके HRA पर्पस के लिए। ऐसे हर एक टॉपिक के लिए आपकी सैलरी की डेफिनेशन बदल जाएगी। डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे स्टडी करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। भूलना एक मतलब मानवीय प्रोसेस है, वो मानवीय प्रक्रिया है। आप भूलने से मत डरिए, आप स्टडी करने पर ध्यान दीजिए। आप भूल जाते हो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप वापस आपको देखना पड़ता है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो मैं तो भूल गया या भूल गई, तो आप वापस आइए सैलरी को पढ़िए कि हाँ HRM सैलरी का मतलब क्या था। ठीक है, भूलना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो तो एक आवश्यक प्रक्रिया है। मतलब जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, बेसिक प्रक्रिया है कि हम भूलेंगे भूलेंगे किसी चीज़ को, तो हम भूलने से बिल्कुल नहीं डरेंगे कि हमें तो भूले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम बार बार नोट्स देखेंगे, हमें जरूरी नहीं कि हमें रट्टाफिकेशन करना है कि हम हर चीज़ को रटी लें, लेकिन हम बार बार नोट्स देख सकते हैं, हमारे पास लिखे हुए हैं। मैं PDF आपको लिंक शेयर करता हूँ, PDF को अपलोड करता हूँ व्हाट्सअप के ऊपर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, आप बार बार पेज पढ़कर देखने की पूरी इजाज़त है आपको, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एक भी टॉपिक याद नहीं करते हैं, लेकिन आप पलट पलट कर देख लेते हैं, तो एग्जाम टाइम तक आपको हर एक टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। हम नहीं चाहते हुए उसे भूल नहीं पाओगे, फिर जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, माने पर गया भूल जाओगे, लेकिन आपने जब आपकी प्रैक्टिस सेट सोल्व कर ली है, ठीक है, और आप बार बार आपके इनको काम में ले रहे हो, नोट्स को काम में ले रहे हो, आप याद नहीं करो लेकिन नोट्स को देख रहे हो, बार बार उसमें देखना पड़ रहा है आपको कि सैलरी का मतलब क्या है, तो आपको देखते देखते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और ऐसे याद हो जाएगा जो आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, और यदि आप ऐसे मैनुअली याद करते हो अलग से ही, तो आप भूल जाओगे थोड़ी देर के अंदर। आगे देखिए, हाउस की बात करी थी, यदि आपका मकान हाउस है वो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई में होने पर हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे, अन्यथा 40%। मतलब सामान्यतः आपको कितना लेना है? 40% लेना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा हो जाए कि आपका मकान दिल्ली में है, बॉम्बे में, कोलकाता में या चेन्नई में है, तो आप 50% ऑफ सैलरी लेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, तभी आपको ऐसा करना है। ठीक है, इसके बाद में आ गए, सेम का मकान किराया नहीं माना जाएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं अपने आप को ही किराया दे रहा हूँ, मेरा ही मकान है, और मैं मान लूँ खुद की नामी रसीद काट देता हूँ कि देखो साहब मैंने 10,000 पेमेंट दिया, तो मैं क्या कोई व्यक्ति खुद से कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करता है, तो उसे हम वैध नहीं मानेंगे, उसे हमें इनवैलिड मानेंगे, वो लिखने वाली बात नहीं थी, फिर मैंने यहाँ लिख दी। कुछ इसके अलावा कुछ बेसिक नियम्स हैं जो अभी मैं हाल ही के वर्षों के अमेंडेड किए गए हैं, ये किराए के नाम पर चोरी नहीं हो, किराए के नाम पर कोई झूठे बिल्डिंग नहीं हो, इसके लिए बताया गया है। यदि मान लीजिए आपका जो एनुअल रेंट है जो 1,00,000 से अधिक है प्रतिवर्ष, मतलब आपका एनुअल एनुअल के अंदर जो भी आपने किराया चुकाया, यदि वो 1,00,000 से अधिक है, 1,00,000 तक तो माफ़ है, 1,00,000 से अधिक है, तो आपको मकान वाले का पैन कार्ड लेना पड़ेगा, और अपने एम्प्लॉय नियोक्ता को देगा वो व्यक्ति, जहाँ भी आप जॉब करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ भी आप जॉब करते हो, आप अपने आपको एम्प्लॉय मानिए, और आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप किराए के मकान रहते हो, तो आपने किराया दिया साल भर के अंदर प्रतिवर्ष, मतलब एनुअल, तो हमने पर ईयर पे हमने किराया 1,00,000 से ज़्यादा दिया है, 1,00,000 तक तो कोई बात नहीं, 1,00,000 से ज़्यादा दिया है, तो आपको हम मकान मालिक का पेन कार्ड नहीं मांगोगे आप उससे, भाई आप आपका पेन कार्ड बताइए और अपने एम्प्लॉय को देखो। इसका रीज़न ये है कि ये जो मकान मालिक है ना, ये बड़े चालाक होते हैं, ये अपन से किराया तो ले लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने इनकम टैक्स पे इनकम के रूप में शो नहीं करते हैं। आप भी अपने दुकान मकान किराए पे देते हो, तो आप कभी भी शो नहीं करते हो कि आपके से किराए से कितनी इनकम आ रही है। तो यदि मान लो ऐसी इनकम यदि 1,00,000 से भी ज़्यादा आ रही है, तो वो पैन कार्ड की मैंडेटरी कर दिया गया है कि पैन कार्ड अनिवार्य है मकान मालिक का लेना, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड चल जाता है कि इस पैन कार्ड के ऊपर है ना ये इतनी इनकम हुई है, तो इसका क्यों इसने टैक्स चुकाया नहीं चुकाया, वो चेक कर लेती है, फिर अपना टैक्स दे दिया हो तो ठीक है, नहीं तो वो अमेंडमेंट करती है। आगे बताया गया है कि यदि आपका जो किराया जो रेंट है वो 50,000 है पर मंथ से ज़्यादा है, क्या है, कहीं आप इतना महंगा मकान ले रखा है जिसका रेंट 50,000 है पर मंथ से ज़्यादा है, तो आपको 5% TDS काट कर और फिर पेमेंट करना पड़ेगा मकान मालिक को। TDS क्या होता है? टैक्स रिटर्न एश्योरेंस होता है। आप कहो सर TDS क्या करेंगे, वो अभी का टॉपिक नहीं है आपका। आपको क्या होगा, जिससे मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा, जैसे 1,00,000 रुपये महीने का है, तो 1,00,000 रुपये यदि महीने का किराया कहीं किसी बिल्डिंग का और आप उसमें रहते हो, तो उसका 5% 5,000 रुपये का 5,000 आएंगे, तो उस 5,000 को 95% तो उस मकान मालिक को पेमेंट कर दोगे, और 5,000 उसका TDS काट कर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर दोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप ये बोलोगे कि आपके इससे के जो 5,000 रुपये वो तो हमने कहाँ दे दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स में अंदर जमा करा दिए, और 95,000 आप ये पकड़ो आपके हाँ इन हैंड दे देंगे, क्योंकि आपने 5% क्यों काट कर से किया, क्योंकि ऐसा नियम ऐसा लॉ है कि 50,000 प्रति माह से अधिक था आपका, पर मंथ 50,000 से ज़्यादा था आपका, इसका नाम ने ऐसा किया। तो HR या कंप्लीट हो गया है। HR के अंदर जो मेन जो तीन वर्ड हैं उनके ऊपर आप हमेशा याद रखेंगे कि HR रिसीव्ड, HR रेंट पेड, 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी। 40-50 पर आपको पता है कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता में 50% लेंगे, नहीं तो
नॉर्मली अपने इतना, इनमें से जो भी कम होगा विच और जो भी कम होगा वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मनोरंजन भत्ता, इसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमें चिड़ियाघर में विजिट करना है या फिर हमें ना सिनेमा हॉल में जाना है, ठीक है ना। यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हुए तो वहाँ पर आपके लिए कुछ लोग वहाँ कुछ गेस्ट वगैरह या कोई क्लाइंट है जो हमसे मिलने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आपके गार्जियन से या कोई भी हमसे मिलने आता है तो मैं उनके लिए हॉस्पिटल उनके लिए खर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं उनके लिए चाय पानी के लिए खर्च कर रहा हूँ, या जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो वहाँ मेरे बहुत सारे क्लाइंट आएंगे तो उनके लिए जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसकी यहाँ पर बात करते हैं, उसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम एक बार तो ग्रोथ सैलरी के अंदर जोड़ लेंगे, इससे हम ये मानेंगे कि हमारे लिए फुली टैक्सेबल है ये। फिर बाद में इसकी छूट दी गई है डिडक्शंस में, डिडक्शंस अलग वर्ड है, मतलब जो अलाउंस एक अलग वर्ड है। अभी हम अलाउंस की स्टडी कर रहे हैं तो अलाउंस के अंदर तो आपसे पूछा जाए कि अलाउंस इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट है, तो अलाउंस के अंदर तो ये है कि आप इसे ग्रोथ सैलरी में ऐड कर लेंगे, आप इस सैलरी का पार्ट मान लेंगे इसे, मतलब इसे हम एग्जाम्प्ट मानेंगे नहीं कि हमारा फुली टैक्सेबल मान लेंगे इसे। फिर बाद में डिडक्शंस नाम का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर इसका है ना छूट दी जाएगी, इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में वहाँ पर समझाऊंगा, ये लिखी हुई है यहाँ पर भी, लेकिन इसे हम बाद में दोबारा स्टडी वहाँ आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके बाद में बात करूँ अलाउंस अलाउ टू पर्सनल एक्सपेंस, तो क्या होता है कि आपको व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी कुछ दिए जाते हैं तो उनके हम अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीन अलाउंस के अंदर जो थे, तीसरा अलाउंस के अंदर सबसे बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम तीसरे अलाउंस के ऊपर हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे हैं। भाई आपके जो पर्सनल व्यक्तिगत जो खर्चे हैं, मतलब जो जिम्मेदारी आपकी ना होगी गवर्नमेंट की, जैसे मैं एम्प्लॉई हूँ लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी या एम्प्लॉई की होगी, जाहिर सी बात है मेरे बच्चे हैं तो मैं ही पढ़ाऊंगा उन्हें, मेरे निजी खर्चे हैं वो कहाँ पर रहते हैं कहाँ नहीं रहते, ये सारे खर्चे मेरे होंगे। तो इस केस के अंदर भी यदि मान लो मुझे ना कोई अलाउंस मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिल रहा है, अपने एम्प्लॉयर से कोई अलाउंस कोई पैसा मिल रहा है मुझे, तो वो एक लिमिट तक तो एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद में टैक्सेबल होगे। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है ये प्राप्ति राशि तक, ये क्या है जो भी अमाउंट आपको प्राप्त कही गई है वहाँ तक करमुक्त होते हैं, परंतु अधिकतम राशि निर्धारित राशि तक, मतलब जो भी अलाउंस आपको बताया गया उस तक ही आपको एग्जम्प्ट मिलेंगे। खर्च करने से मतलब नहीं है कि आपने खर्च करा है या नहीं करा है, क्या है क्या नहीं है, और मिलने वाली राशि से मतलब नहीं, मिलने वाली राशि तो मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो हमारी इसमें डिसाइड करी गई है। देखिए जैसे कैसे आपके बारे में यहाँ बताया गया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की यदि बात करें मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आपको ध्यान रखना ये मैक्सिमम दो बच्चों के लिए मिल सकती है और 100 रुपये एक बच्चे के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो मतलब ईयर के अंदर हम बात करें तो 100 × 12 महीने और इंटू मैक्सिमम दो बच्चों के लिए मिल सकती है, तो हम 2400 रुपये अधिकतम आपको छूट मिल सकती है। लेकिन यदि बच्चा एक ही है तो आप 1 × 100 × 100 रुपये पर मंथ और 12 से इंटू करेंगे तो 12 मंथ्स के अंदर मतलब 1200 रुपये छूट मिलेगी। बच्चे आपके पास 4 है तो फिर 4 बच्चों की छूट ना मिलकर आपको कितने बच्चों की छूट मिलेगी, केवल 2 की ही मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट क्या दी गई है आपको केवल 2 बच्चों की। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की यदि बात करें तो आप क्या बोलोगे 100 रुपये पर मंथ और कितने बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए है ये, ठीक है। सेकंड यदि बात करें चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस, तो आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उसके लिए भी अलाउंस मिल सकता है, तो ये बताया गया 300 रुपये पर मंथ। कितना बताया गया आपको 300 रुपये पर मंथ, और ये भी सेम वैसे ही कि मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिल सकता है, केवल 2 बच्चों के लिए। 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो फिर केवल 2 बच्चों के लिए आपको एग्जम्प्ट होगा, बाकी सारा आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। यदि बच्चा एक ही है तो फिर एक ही मिलेगा, फिर जबरदस्ती हम 2 का अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। पर मंथ लिमिट क्या है मैक्सिमम 300 रुपये पर मंथ। हाँ लेकिन यदि आपको इससे कम मिल रहा है तो फिर वो कम वाली अमाउंट ही आपके लिए एग्जाम्प्ट मान जाएगी, जैसे आपको 200 मिला भी 200 ही आपका सैलरी का एग्जाम्प्ट करा पाओगे आप उसे। फिर इसके बाद में बात की गई है ट्राइबल एरिया अलाउंस, मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता। तो जनजातीय क्षेत्रीय भत्ता क्या होता है 200 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है, 200 रुपये प्रति माह है ना पर मंथ एग्जाम्प्ट है इसके लिए। ये आपको कुछ तो बातें यहाँ लिखवाई गई है कि इन इन राज्यों के अंदर ये एग्जाम्प्ट है, MP, UP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार है, वेस्ट बंगाल, आसाम है, त्रिपुरा है, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में 200 रुपये प्रतिमाह तक ये एग्जम्प्ट है। ये कुछ कुछ नाम आपको हल्के फुल्के से याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी आप इसकी लिमिट को ध्यान रखिए 200 रुपये पर मंथ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इनमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा पेपर उठा कर देख लेना, चाहे इंश्योरेंस कंपनी का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट कोई सी वैकेंसी हो, उसके अंदर हमेशा इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये देखिए ये क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंस परिवहन भत्ता, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात की गई है कि ये 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये कौन से वाले ऐसे व्यक्ति को एग्जेम्प्ट है जो शारीरिक रूप से विकलांग, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे इसके अंदर बताया गया है कि कोई कोई व्यक्ति अंधा है, कोई गूंगा है, बहरा है, या और या किसी रीजन से मतलब वो विकलांग है, वो उसके मतलब पेड़ डैमेज है या किसी भी हाथ डैमेज है, तो उस दशा के अंदर उसे 3200 रुपये 3200 पर मंथ
तक एग्जम्प्ट है। तो ट्रांसफर अलाउंस किन व्यक्तियों के लिए एग्जम्प्ट होगा, और उसकी भी लिमिट दी गई कितने रुपये, 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट है आपका, और वो भी किसको, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो फिजिकली आपके हैंडीकैप्ड पर्सन से उनके लिए वो एग्जम्प्ट है। इसके बाद में आपके बात करें अंडरग्राउंड कोल माइन अलाउंस, तो ये अलाउंस क्या उन व्यक्तियों को मिलता है जो कोल माइंस के अंदर वर्क करते हैं ना, जो मजदूर वर्ग या जो छोटे मोटे इंजीनियर्स वगैरह जिनको कोल माइंस के अंदर घुसना पड़ता है, उनको 800 रुपये पर मंथ क्या ये एग्जम्प्ट है जो ऐसे एरिया में काम करते हैं। इसके बाद में आ गया ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये सबके लिए एग्जम्प्ट है, ये केवल उन व्यक्तियों के लिए एग्जम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस एक तो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत ऊपर आ चुका, एक क्या है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस की यदि हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी जो अलाउंस है वो किसको मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जो मतलब ऐसी कंपनी के पास जॉब करते हैं जिसका काम ही क्या है ट्रांसपोर्ट को इधर से इधर लेकर जाना वाले कंपनी के अंदर काम करते हैं। जैसे कि यदि कोई एम्प्लॉई है, यदि आपके फादर है या आपके ब्रदर हैं, जो किस में है राजस्थान रोडवेज के अंदर कर्मचारी है, तो राजस्थान रोडवेज क्या हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी है एक तरह से देखा जाए तो, वो पैसेंजर को इधर से उधर लेकर जाती है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है उसके अंदर है। तो ये बताया गया है कि इनमें से जो दो विच ओवर लोअर, इन दोनों से जो भी आगे नीचे दो पॉइंट बताए गए हैं, इन दो पॉइंट के अंदर जो भी आपका कम होगा वो आपको एग्जम्प्ट माना जाएगा। क्या क्या, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, इन दो चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे, इनमें से जो भी आपको कम आएगा उसे अपन ये मानेंगे ये आपका एग्जम्प्ट माना जाएगा। 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, इसमें मतलब मैक्सिमम लिमिट है 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस, यही आपके लिए क्या माना जाएगा, आपके लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो ये किस कौन से एम्प्लॉई को, जो यातायात संस्थान कर्मचारी है ना, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर काम करते हैं वही। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट जो पेज है वो मैंने आपके लिए वैकेंट छोड़ दिया है, मतलब इसमें और बहुत सारे अलाउंस हैं जिनका नाम लिखा गया है, इनकी अलग अलग लिमिट दी गई है, वो मैंने खाली छोड़ दिए, इनको मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा चैप्टर, और वो हमारे लिए जनरली बहुत कम काम आते हैं, और यदि किसी क्वेश्चन में काम आते भी है तो आप अभी तो नोट्स उठाकर देख लें, अभी उसके ऊपर आप गौर नहीं कर, ठीक है। आप इस चीज़ से डरेंगे नहीं कि नहीं मैंने तो ये पढ़ाई नहीं करी, ये स्टडी करी ही नहीं है, ठीक है। आपके जो ऊपर वाले जो मेन इंपॉर्टेंट अलाउंस हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो अब आप इनको आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, इसे लिखेंगे। आज के लिए मैं क्लास में इतना ही लूँगा, और नेक्स्ट क्लास मेरी कल होगी, उसके अंदर मैं आपको आगे क्वेश्चन भी सोल्व करा सकता हूँ, ठीक है। और HRA पे डेफिनेटली हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे HRA पे, और आप जल्दी से जल्दी जो RBD है रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की, जो शर्मा शाह मंगल की जो किताब आती है, वो जल्दी जल्दी परचेज करें। उम्मीद करता हूँ शायद अब तक वो किताब आ गई होगी, और मैं आपको बता दूंगा, और इसकी PDF मैं इसके साथ में शेयर करूँगा। इन अलाउंस को जो मैं लास्ट पेज अलाउंस लिखे हैं उनको बस केवल आप नाम आप देख सकते हो एक बार के लिए, बाकी इनको आपको डीपली याद नहीं करना है, क्योंकि ये नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंस के मानिए कि ये 5% और 95% तो इस पेज पर आ चुके हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो 95% तो इस पहले वाले पेज पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर हम एक तरह देखा जाए तो हमारे अलाउंस यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो की स्टडी कर ली है। दो की स्टडी कौन कौन से कर ली, एक तो जो फुली टैक्स फ्री अलाउंस थे और एक पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस थे, तो फिर जो बचे वो तीसरा बचा फुली टैक्सेबल, तो हमने बताया था कि उसे हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनके अंदर जो नाम नहीं आ रहे वो सारे नाम कहाँ आएंगे, फिर वो वहाँ पर आएंगे, उनके अलग से कोई नाम याद नहीं करने, हमें दो में जो नाम नहीं आ रहे वो सारे वहाँ आएंगे। तो नाम वहाँ पर हम यहाँ बर्बली जो लास्ट पेज वाले इनको भी देख लेंगे, इनकी जो लिमिट वगैरह है वो आप नहीं देखोगे, क्योंकि वो भी आपको याद नहीं होगी, बाकी बुक्स के अंदर ये सारी अवेलेबल है, मैं इसे बाद में करवाना पसंद करूँगा, अभी आप ऊपर वाली चीज़ों को आसानी से याद करें, ज़रा लोड ना लें, ठीक है। थैंक यू।